सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टेक टिप को और बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट एप्लीकेशन गेम और टेक न्यूज के बारे में हिंदी में जानने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ Xiaomi के दो लोअर रेंज वाले स्मार्टफोन के बारे में। जो पहला है वो Xiaomi का Redmi 4A और जो दोस्तों दूसरा स्मार्टफोन है वो Xiaomi का कल लॉन्च हुआ Y1 Lite। ये दोनों दोस्तों जो फोन है बहुत ही सिमिलर स्पेसिफिकेशन जो है वो प्रपोज करते हैं। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं आपसे उसी स्मार्टफोन के बारे में दोस्तों बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक टिप में। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ दोनों फोन के बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो लुक वाइज वो दोनों दोस्तों जो फोन है Redmi 4A और बाद में दोस्तों Xiaomi का Redmi Y1 Lite, वो दोनों दोस्तों जो फोन है वो लुक वाइज दोस्तों बहुत ही सिमिलर दिखते हैं। हालांकि Y1 Lite में आपको जो 5.5 इंच की HD जो वो डिस्प्ले मिल जाती है और दोस्तों Redmi 4A में आपको सिर्फ 5 इंच की जो वो डिस्प्ले मिल जाती है। तो डिस्प्ले जो है वो दोस्तों Y1 Lite की जो वो काफी बेहतर है और उसमें आपको जो 2.5D कर्व्ड ग्लास भी जो है वो मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ इस दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के जो प्रोसेसर है वो भी दोस्तों बिल्कुल सिमिलर है। दोनों के अंदर आपको जो स्नैपड्रैगन दोस्तों 425 जो आपको प्रोसेसर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ उसके रैम वेरियंट के बारे में, दोस्तों Xiaomi के Redmi 4A में आपको जो है वो 2GB और 16GB वाला वेरियंट मिलता है। दोस्तों आपको 3GB और 32GB वाला जो वेरियंट मिल जाता है। हालांकि Y1 Lite में आपको सिर्फ 2GB और 16GB वाला जो वेरियंट आपको मिलता है। हालांकि दोस्तों आप जो Y1 Lite के अंदर माइक्रो SD कार्ड को इंस्टॉल करके इसकी स्टोरेज को जो वो बढ़ा भी सकते हैं और Redmi 4 में आपको जो वो हाइब्रिड सिम स्लॉट जो वो मिलता है, मतलब कि आप उसमें जो एक सिम कार्ड या फिर एक मेमोरी कार्ड जो वो चला सकते हैं। दो सिम कार्ड और दो मेमोरी कार्ड आप Redmi 4 में यूज नहीं कर सकते, लेकिन Y1 Lite में आप दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को जो वो दोस्तों यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ इसके कैमरास के बारे में, दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको जो कैमरास मिलते हैं वो बिल्कुल जो वो सिमिलर मिलते हैं। दोनों में आपको जो बैक कैमरा मिलता है वो मिलता है आपको 13 मेगापिक्सल का और दोस्तों यहाँ पर आपको जो फ्रंट कैमरा मिलता है वो मिलता है आपको 5 मेगापिक्सल का। और दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको जो बैटरीज मिलती है वो मिलती है आपको 3080mAh की आपको जो इस दोनों स्मार्टफोन के अंदर दोस्तों बैटरी जो है वो मिल जाती है। दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपसे दोस्तों बात करूँ इसकी प्राइस रेंज के बारे में, तो प्राइस रेंज में दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के अंदर 1000 रुपए का जो है वो डिफरेंस है। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ Xiaomi Redmi 4A की प्राइस के बारे में, तो Xiaomi Redmi 4A की जो 2GB और 16GB वाले वेरियंट की प्राइस है वो है दोस्तों 6000 रुपए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ Y1 Lite की जो प्राइस है उसके दोस्तों 2GB और 16GB वाले वेरियंट की जो प्राइस है वो है दोस्तों 7000 रुपए। तो 7000 रुपए में आपको जो Redmi 4A का दोस्तों 3GB और 32GB वाला वेरिएंट जो है वो आप परचेस कर सकते हैं। तो Xiaomi Redmi 4 में आपको जो अगर दोस्तों 7000 रुपए में अगर आप परचेस करते हैं तो आपको Y1 Lite से थोड़ा बहुत दोस्तों बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो मिल सकता है। लेकिन हालांकि अगर आपको एक बड़ा डिस्प्ले वाला 5.5 इंच डिस्प्ले वाला अगर आपको स्मार्टफोन चाहिए तो दोस्तों जो Y1 Lite अच्छा ऑप्शन बन सकता है, लेकिन आपको उसमें सिर्फ 2GB की रैम मिलेगी और दोस्तों 16GB की आपको उसमें इंटरनल स्टोरेज जो वो मिल सकती है। हालांकि आप उसमें माइक्रो SD कार्ड को इंस्टॉल करके जो वो स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये बहुत दोस्तों इसका जो एक प्लस पॉइंट है। प्लस दोस्तों जो Y1 Lite का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि उसमें आप जो है वो दोस्तों 5.5 इंच की आपको उसमें डिस्प्ले मिल जाती है, प्लस आप उसमें दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को यूज कर सकते हैं। और Redmi 4A का दोस्तों प्लस पॉइंट ये है कि उसमें आपको जो है वो दोस्तों सेम प्राइस रेंज के अंदर 3GB और 32GB वाला वेरिएंट जो है वो मिल जाता है। और दोनों फोन के जो स्पेसिफिकेशन है परफॉर्मेंस वाइज, कैमरा वाइज, बैटरी वाइज जो है वो इन दो जो दोनों दोस्तों जो स्मार्टफोन है वो बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों अगर आपको एक जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस वाइज जो है वो फोन चाहिए तो आप जो Xiaomi Redmi 4A को दोस्तों 3GB और 32GB वाले वेरिएंट को परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आपको जो दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड के साथ प्लस दोस्तों आपको एक 5.5 इंच वाला डिस्प्ले वाला दोस्तों अगर आपको एक स्मार्टफोन चाहिए तो आप Y1 Lite को जो है वो जो दोस्तों परचेस कर सकते हैं। उसमें आपको रैम के मामले में जो थोड़ा बहुत दोस्तों कॉम्प्रोमाइज जो है वो करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप दोस्तों आपको बहुत पसंद आएगा और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे वीडियो कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके रोजाना ही इसी तरह के वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मैं दीप आपसे जल्दी मिलूंगा एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सेम प्लेस सेम चैनल टेक टिप। थैंक यू। जय हिंद।